बहू सुन बेटा, अब बाबू हो गई है ना, है तो तुझे उसके साथ वक्त बिताना चाहिए। तू एक काम कर, एक दो साल के लिए ना जॉब छोड़ दे, बाद में तू फिर से ज्वाइन कर लेना। अभी कैसे, उस छोटी सी बच्ची को भी तो तेरी जरूरत है ना। बस इसलिए कह रही हूँ, बाकी तो घर वर हम सब संभाल लेंगे, हम सब तो बच्चे को भी संभाल लेंगे, लेकिन जितनी जरूरत उसको उसकी माँ की होगी, वो जरूरत तो हम पूरी नहीं कर पाएंगे ना बेटा, है ना। तू सोच ले फिर तू बता, जैसा तुझे ठीक लगे। हेलो पिंकी, अरे तेरी सास जितना भी बोले जॉब मत छोड़ना, मैटरनिटी लीव तेरा खत्म होने के बाद तुरंत जॉब ज्वाइन कर लेना, समझी। घर में और भी तो लोग हैं ना, वो बच्चे को संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे सास ससुर हैं, तेरे पति भी हैं, उनका तो वर्क फ्रॉम होम है ना, है ना। तू जॉब मत छोड़ना, मेरी बात। अरे भाई, ये बोला जाता है कि कुछ सालों बाद ज्वाइन कर लेना, एक बार जॉब छूट गया ना उसके बाद तू ज्वाइन नहीं कर पाएगी। मैं ये सासों की चाल अच्छे से समझती हूँ। तुझे बच्चे के लिए घर पे नहीं रोका जा रहा है, तुझे अपने काम करवाने के लिए रोका जा रहा है। 24/7 मेड है तू, समझ गई ना मेरी बात। बहस मत कर, जॉब मत छोड़ना। चाहिए तो तू 3-4 महीने का और एक्सटेंशन ले ले, लेकिन जॉब छोड़ना मत, समझ गई। हाँ, अपना काम करती रहना, घर पे फंस गई ना तो फंस जाएगी बुरी तरह। मम्मी जी, हाँ दीदी से बात कर अरे रही है कुछ ना? नहीं, वो बस बिटिया पिंकी तुम्हारी ननंद का चाय बन गई, आई है।